सर्जरी लेट्स डिस्कस द हीमरेजिक शॉक। तो फर्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन है, देन सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी है, थर्ड मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेजल इन्वॉल्व्ड, सेकेंड डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग ऑफ हीमरेज है, एंड थर्ड डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ हीमरेज है, एंड फोर्थ है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ ब्लीडिंग। तो फर्स्ट नेचर ऑफ वेजल इन्वॉल्व्ड के बेसिस पे आएगा फर्स्ट आर्टेरियल हीमरेज, एंड सेकेंड वीनस हीमरेज, एंड थर्ड कैपिलरी हीमरेज। देन सेकेंड टाइमिंग ऑफ हीमरेज के बेसिस पे आएगा फर्स्ट प्राइमरी हीमरेज, सेकेंड रिएक्शनरी हीमरेज, एंड थर्ड सेकेंडरी हीमरेज। देन थर्ड ड्यूरेशन ऑफ हीमरेज के बेसिस पे आएगा फर्स्ट एक्यूट हीमरेज एंड सेकेंड क्रॉनिक हीमरेज। देन फोर्थ नेचर ऑफ ब्लीडिंग के बेसिस पे आएगा फर्स्ट एक्सटर्नल हीमरेज एंड सेकेंड इंटरनल हीमरेज। देन सेकेंड इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। तो फर्स्ट क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर होगा। तो क्लास वन में ब्लड लॉस लेस देन 750 ml या फिर लेस देन 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम होता है। देन क्लास टू में ब्लड लॉस 800 to 1500 ml होता है, दैट इज 15 to 30% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। देन क्लास थ्री में होता है ब्लड लॉस 1500 to 2000 ml, दैट इज 30 to 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। एंड क्लास फोर में होता है ब्लड लॉस मोर देन 2000 ml, दैट इज ग्रेटर देन 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। देन थर्ड इसका मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट जनरल मेजर से करते हैं, सेकेंड स्पेसिफिक मेजर्स से। तो फर्स्ट इसमें जनरल मेजर्स में है ऑक्सीजन, दूसरा मॉनिटरिंग करते हैं, देन थर्ड आईवी एक्सेस देते हैं। तो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग एंड आईवी एक्सेस ये याद करने वाली बात है। आईवी एक्सेस में इंट्राओसियस नीडल यूज़ कर सकते हैं। देन फोर्थ मेंटेन करते हैं पेशेंट को वार्म। देन फिफ्थ टाइप्ड एंड क्रॉस मेंटेन ब्लड, क्रॉस मैच्ड ब्लड दिया जाता है। सेकेंड स्पेसिफिक मेजर्स में हीमरेज को कंट्रोल करते हैं। तो एक तो प्रेशर और पैकिंग लगाते हैं, दूसरा पोजिशन और रेस्ट से करते हैं, देन थर्ड टॉनिक किट्स यूज़ करते हैं, देन फोर्थ सर्जिकल मेथड्स यूज़ करते हैं हीमरेज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि कॉटराइजेशन, दूसरा बोन वैक्स या हॉर्सलेस वैक्स, एंड तीसरा सिल्वर क्लिप्स। तो ये था हीमरेजिक शॉक के बारे में। थैंक्स।